हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में सबका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग जगदीश, नेहा, दीपक, सुफिया, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल अगेन, आई एम गुड गाइज, थैंक यू दीपक। गुड इवनिंग राज, गुड इवनिंग अमित, अंकित, अंचल, ओके यज्ञराज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल अगेन। मेरा आवाज सही से आ रहा है सबको? हिना, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज सबसे सही, सबको सही से आ रहा है? एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ओके। गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग संगीता, चलिए फाइन। तो आज काफी सारे नए नेम्स, आई कैन सी मेनी न्यू नेम्स ऑल्सो इन आवर क्लास टुडे। आपको जरा मेनी रेगुलर स्टूडेंट्स दैट वी हैव, अनन्या, गुड इवनिंग, कैबल्य, हेलो, हेलो रमेश, चलिए ओके, थैंक यू। चलो तो जैसे आपको पता है कि दिस इज अ सीरीज दैट इज गोइंग ऑन, जिसमें मैं आपके यूपीएससी सीएससी के वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग प्रीलिम्स क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, इसमें प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी ये 2013 का क्वेश्चन पेपर का हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। वी हैड सीन सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री इन यस्टरडेस क्लास। Today's class we are going to see certain questions of the history 2013 के prelims के question paper का, ठीक है। तो basically ये जो है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ important याद रखना कि ये free classes है हमारी पूरी तरीके से। These are totally free classes and totally live classes, ठीक है। Live classes है, free classes है, try to understand this particular thing कि totally free classes है और live classes are there। तो मेरी जो क्लासेस होती है डेली 8 PM मंडे टू फ्राइडे, ये क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री आपको एक क्वेश्चन इसमें वी डिस्कस। तो हमने ऑलरेडी 2021 से लेके 2014 तक सारे क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किए, हमारे क्वेश्चन पेपर सा ओवर। 2013 का जो है हिस्ट्री का एक पार्ट ओवर है, हिस्ट्री का सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डू टुडे, सेकंड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो 2013 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसमें से वी आर गोइंग टू डू 5 क्वेश्चंस, ऐसे 5 क्वेश्चंस हम करने वाले बिकॉज़ वी हैव ओनली 5 क्वेश्चंस ओनली फॉर दिस। तो बाकी फिर बाकी टाइम में वी विल डू सर्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बाकी टाइम में वी आर गोइंग टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लेकिन हिस्ट्री के जो है 5 क्वेश्चंस विल, क्योंकि इतने क्वेश्चंस है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, 12 क्वेश्चंस वेयर देयर यस्टरडे एंड 5 क्वेश्चंस टुडे, 17 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, 5 टू 6 क्वेश्चंस आई विल ऐड एक्स्ट्रा इन टुडेस क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आज का क्लास जाएगा। फर्स्ट हाफ जो क्लास का होगा उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस 2013 के प्रीलिम्स के हिस्ट्री क्वेश्चंस, सेकंड हाफ में व्हाटएवर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी आर देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। और आगे देखिए इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल भी सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। आई कैन सी मेनी न्यू स्टूडेंट्स टुडे, काफी सारे हमारे न्यू स्टूडेंट्स आज है, तो टेलीग्राम चैनल भी सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे ये है आपका टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं यहाँ देता हूँ। थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी, डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्शन हो सकता है। आप आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हो, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, ठीक है। इसी के साथ साथ डेली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, कुछ टीवी की डिबेट्स होती है, संसद टीवी डिबेट्स जैसे, इसी के साथ साथ कुछ क्विज वगैरह, ये सब एक्चुअली इस टेलीग्राम चैनल में डालते हैं। So try to understand, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी फ्री क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन, सारे प्लान भी इसमें आपको पता चलता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है जिसने किया है ज्वाइन ऑलरेडी। इसके साथ साथ वन मोर थिंग कि अब आज के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑफर है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू कैन यूज माई कोड प्रशांत भी। अगर आपको टेक्स्ट बुक में कोई भी एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड दैट इज कॉल्ड द प्रशांत भी कोड, ठीक है। ये प्रशांत भी कोड अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको 20% डिस्काउंट इसमें मिल जाता है, इस कूपन कोड में से यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन दैट। लेकिन अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए, लेट्स से यू वांट मोर डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड, तो आपने क्या करना है, कोई भी मेरी फ्री क्लास देखनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉच दिस फ्री मास्टर क्लास ऑफ माइन, ये अगर फ्री मास्टर क्लास मेरी देखते हो विद इन 3 hours ऑफ वॉचिंग मास्टर क्लास, 3 hours ऑफ वॉचिंग मास्टर क्लास, इफ यू एक्चुअली यूज दिस कोड तो उसके बाद आपको नियर अबाउट 37% तक डिस्काउंट मिल सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर्मली इफ यू प्रशांत बी कोड फॉर एनी काइंड ऑफ कोड प्रोसेसिंग यू कैन एक्चुअली गेट द 20% डिस्काउंट, लेकिन विद इन 3 hours ऑफ माय मास्टर क्लास, जैसे ही फ्री क्लास मेरी एंड होती है यू विल हैव टू फर्स्ट वॉच माय फ्री क्लास, वो एंड होने के बाद विद इन 3 hours इफ यू टेक एडमिशन यू विल गेट द नियर अबाउट 37% डिस्काउंट, ओके। तो ये भी सब लोग याद रखिएगा।
और हाँ टेस्ट बुक अब एक एनसीईआरटी बैच 6 लॉन्च किया है टेस्ट बुक ने, क्योंकि हमने एक्चुअली वी हैड लॉन्च बैच 1 6 और 8 मंथ्स बैक, इतना उसका रिस्पांस इतना अच्छा आया है कि अब 6th बैच भी हैव लॉन्च्ड। 5th बैच भी हमारी पूरी फुल हो चुकी है और क्लोज हो चुकी है, जो 5th बैच में काफी सारे लोगों ने एडमिशन लिया था माय सेम कूपन कोड यूज करके, इसमें भी काफी सारे लोगों को 37% डिस्काउंट मिला था। वी हैव लॉन्च द बैच 6 ऑफ द एनसीईआरटी, काफी कम फीस में ये कोर्स है एक्चुअली। बेसिक इसका फी जो होगा वो अराउंड 4000 हो सकता है, और उसको आप कोड यूज करके, आपको प्रशांत भी कोड यूज करके, उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो यूपीएससी के बैचेस है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एनसीईआरटी तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी आपके सारे एग्जाम के लिए, कंप्यूटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी बैच 6 जो है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यू विल गेट 20% डिस्काउंट हियर आल्सो बाय यूजिंग द कोड प्रशांत भी, या फिर अगर आप विद इन 3 आवर्स ऑफ एडमिशन ले सकते हो इस मास्टर क्लास के बाद, जो भी मास्टर क्लास मेरी होती है, you will get around 37% discount, but you will have to use the code Prashant before that. तो ये batch 6 भी याद रखिएगा, काफी कम फीस में आपका पूरा NCERT का preparation इसमें होता है, 150 plus live classes इसमें है, quiz MCQs मतलब 1000 plus MCQs तो class में इसमें solve हो जाती है, class और quiz में दोनों इसमें solve हो जाता है, तो इसको भी आप कर सकते हो launch, ठीक है? Fine, so let's actually start, हम start करते हैं अब हमारी class आज से, और first question आपके सामने होगा, you will have to answer this first question, आपको पता ही है। I think Jagdish has asked one question Prayag Prashasti ke bare mein. Okay, I'll talk about the Prayag Prashasti, Jagdish, wait for some time. Okay, I have seen your comment, don't worry about that. Lekin maine kafi comment upar ja chuki to abhi maine dekha hai, lekin I remember the comment. Okay, chaliye. To first of all ek do questions pehle solve kar lete hain. Nahi hindi mein question nahi hai mere paas aaj, theek hai? Hindi mein question available nahi ho rahe, to isliye I am not, hindi mein questions are there in the PDF but uska screenshot acche se nahi aata hai, to blur ho jata hai kafi. इसलिए हम नहीं ला पाते इन तेरे क्वेश्चंस। इसका आंसर दीजिए सब लोग आप। I want every one of you giving the answers। सब लोगों ने आंसर देना है यहाँ पे। ओके चलो, इंग्लिश नहीं आता है आपको सुबह, ठीक है मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ लाने का क्वेश्चंस अभी मेरे पास, प्लीज आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है, आज इसलिए मेरे पास हिंदी में क्वेश्चंस नहीं है, प्लीज थोड़ा याद रखना, एक दो मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट क्लास से मैं हिंदी में क्वेश्चन ला पाऊँ। चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कल्चरल हिस्ट्री है इंडिया की, अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स, मुझे पहले सबसे पहले देख ले लीजिए कितने लोगों ने आंसर दिया, काफी बढ़िया, काफी ज्यादा लोग आंसर दे रहे हैं आजकल, ठीक है? तो द पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंगा हैज बीन फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल टुडे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब द पोज। देखो, इंडियन जो क्लासिकल डांसेस की हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इसमें एक पोज हमेशा कहा जाता है कि डांसिंग की एक पोज है त्रिभंगा, ठीक है? इसमें क्या है, एक डांसिंग की पोज है त्रिभंगा, तो ये त्रिभंगा जो डांसिंग की पोज है ये कैसे होती है, हाउ दिस पर्टिकुलर त्रिभंगा डांसिंग पोजेस, याद रखिए कि त्रिभंगा, त्रिभंगा मतलब क्या होता है कि ये त्रिभंगा पर्टिकुलर जो डांसिंग की पोज है, यहाँ पे आपकी बॉडी जो होती है दैट बॉडी इज बेंट एट 3 places, जो आपको दिखा देता हूं मैं पोज, ठीक है? तो ओडिसी वगैरह में जनरली, ओडिसी डांस वगैरह जो होता है आपका, ओडिसी में डांस में होता है ये त्रिभंगा पोज, तो बॉडी क्या होती है, थ्री जगह पे जो होती है ये बेंट होती है, क्वेयर एक आपका नेक होता है,
दूसरा आपका वेस्ट होता है, और तीसरा होता है आपका लेग। योर लेग इज बेंट, वेस्ट इज बेंट एंड नेक इज बेंट, इसको क्या कहते हैं हम? त्रिभंगा। ये त्रिभंगा पोज है, जनरली ओडिसी डांस वगैरह में आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बॉडी का काइंड ऑफ यस शेप बन जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ त्रिभंगा पोज कैसे होती है, यू कैन सी देयर इन फोटो। ठीक है, तो ये आपका नेक यहाँ बेंट होता है, वेस्ट हैज बीन बेंट, और यहाँ एक लेग बेंट होता है इस पर्टिकुलर पोज में। ठीक है, ये त्रिभंगा पोज होती है, आप देखना बॉडी का शेप कैसे बन जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ यस शेप हो जाता है बॉडी। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ त्रिभंगा पोज। त्रिभंगा पोज तो देखते हैं अब यहाँ पे कहाँ दिखाया जाता है, कौन सा ऑप्शन है। वन लेग इज बेंट, ओके सही है, एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक, ये भी सही है। तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, वन लेग बेंट होता है और आपके नेक पे और वेस्ट पे बॉडी कर्व होती है, कर्व किया जाता है बॉडी को, दैट्स अ आंसर इज ए हियर। तो आर्ट से क्वेश्चन है, डांस फॉर्म से क्वेश्चन है, बेसिक पोज जो है डांस फॉर्म की ये पूछा गया है 2013 के इसमें। और 2013 के क्वेश्चन पेपर में हमने ऑब्जर्व किया कि काफी सारे क्वेश्चन आर्ट से पूछा गया है, कल्चर से पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से आर्ट से ही क्वेश्चन है शायद। इसका आंसर दीजिए सब लोग, सब लोग आंसर देना इसका। ठीक है, सब लोग आंसर दीजिए इसका। हिंदी में अंकित तो है नहीं मेरे पास, जब भी हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे आई विल प्रोवाइड यू हिंदी क्वेश्चंस। ठीक है, अभी लास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ से वी आर एक्चुअली डूइंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अभी मेरे पास हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल है नहीं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट हिंदी, बाकी कुछ नहीं है। जैसे अवेलेबल हो जाएगा हिंदी उसके प्रॉपर, तो वी विल डू देयर हिंदी आल्सो, मे बी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से वी विल ट्राई टू डू दिस विद रेफरेंस टू इंडियन। ठीक है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, consider the following statements. Okay, consider the following question. तो ये rock cut architecture के बारे में कह रहा है, जो rock में cut होता है और जिसमें rock में cut किया जाता है और जिससे जो architecture बस का उसको rock cut architecture कहते हैं। और इसी में it is actually particularly talking about the different caves. जो caves होती है of course rock में ही बनाया जाता है। ठीक है, cave में क्या of course rock में ही बनाया जाता है। तो let's see this particular thing. Reference to history of Indian rock and architecture. Consider the following statement. Caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. ये गलत है। ये बदामी कहाँ पे? एक्चुअली कर्नाटका में है। और यहाँ जो केव्स है चालुक्या किंगडम के अंडर ये बना था। तो चालुक्या किंगडम अराउंड आपके 6th to 8th century में आते हैं, 6th to 8th century में। ओके, तो ऑफकोर्स ये गलत है। केव्स जो है बदामी में ओल्डेस्ट है, ये नहीं ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट इनफैक्ट बाराबर केव्स है। ये तो 6th-7th century की केव्स आर देयर, आपके जो चालुक्या किंगडम वगैरह उसको की केव्स है, तो ये नहीं है ओल्डेस्ट, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, बदामी में देरा केव चालुक्य किंगडम्स के अंडर केव्स थी, सो दैट इज रॉन्ग। बाराबर रॉक कट केव्स वेर ओरिजिनली मेड फ्रॉम अजीविका सेट्स बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। अब बाराबर रॉक कट केव्स है, दीज आर एक्चुअली ओल्डेस्ट केव्स कहा जाता है इसको, काइंड ऑफ ओल्डेस्ट केव कहा जाता है बाराबर केव्स को। सेकंड थिंग है कि ये कहां पे है? बिहार में। ये बाराबर केव्स क्या है? बिहार में। ठीक है, लेकिन ये वेर दे मेड फॉर अजीविका, ये सही है, दे वेर मेड फॉर अजीविका, बट एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया था क्या? नहीं, गलत। ओके, बारागार वाक्यों केज वेर यूज्ड बाय द अजीविकास, अजीविका सेक्ट ने इसको यूज किया था, लेकिन इसको किसने क्रिएट किया था? अशोका एक्चुअली बिल्ड थे। ठीक है, अशोका ने इसको एक्चुअली बिल्ड किया, तो इसको सबसे पहले याद रखना। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बिल्ड किया था ये। लास्ट, एट एलोरा केव्स वेर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, ये सही है आपका। महाराष्ट्र में आपको पता है औरंगाबाद के पास अजंता और एलोरा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसमें एलोरा में क्या होता है कि आपको डिफरेंट फेथ्स की केव्स मिलती है, मतलब आपको हिंदू फेथ्स की केव्स मिलती है, बुद्धिस्ट भी होते हैं, और जैनिज्म की केव्स मिलती है, हिंदू बुद्धिस्ट जैनिज्म। इसलिए आंसर बस आपका 3 इंपॉर्टेंट है। तो अब थोड़ा सा इससे डिस्करेज नहीं हो गएगा, अगर किसका सही नहीं आ रहा है किसी का, तो इससे डिस्करेज नहीं होना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्यों? क्योंकि यू विल हैव टू लर्न दिस थिंग्स, आपको ये चीजें बार बार पढ़नी पड़ेगी, तब ये सारी चीजें होती है। कई सारे नए स्टूडेंट्स है इसमें,
शायद हमने आपने आर्ट्स या आर्किटेक्चर पढ़ा नहीं होगा अभी तक, तो आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा था, व्हेन यू लर्न दिस यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। और इसमें थोड़ा फैक्चुअल भी होता है, आपको रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो किसी को अगर आंसर सही नहीं हो रहा है तो डोंट गेट डिस्करेज, डिस्करेज नहीं होना है इसमें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट दिस, सब लोग पोल में आंसर देना, डोंट वरी अबाउट दैट। यू सम पीपल आर वेरी न्यू हियर, आर्किटेक्चर के आर्ट के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो इससे डिस्करेज नहीं होना, एवरी वन ऑफ शुड यू शुड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं काफी बार हिस्ट्री के, एवरी वन ऑफ यू शुड आंसर द क्वेश्चन, सब लोग आंसर कर लें। कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंस, ये फॉलोइंग जो भक्ति सेंस है इसको कंसिडर कीजिए। ओके, यस, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज, तीन भक्ति सेंस के बारे में बात किए गए। हु अमंग द अबोव वाज वेयर प्रीचिंग व्हेन लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, मतलब इतने इजी क्वेश्चन नहीं है, दिस काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा अगर हिस्ट्री का, ब्रॉड बेस्ड नॉलेज, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, He, which of them were actually preaching that time? कौन से actually इस वक्त सन थे जो actually कौन से time पे, पूछ रहा है, when Lodi dynasty fell? Lodi dynasty क्या है? ये fail हो जाती है, okay? और वहां बाबर will take the rule in India. अब ये कब होता है? 1526 में, आपको पता है battle of Panipat will happen. Battle of Panipat होती है। इस बैटल ऑफ पानीपत में बाबर विल बी विक्टोरियस और इब्राहिम लोदी हार जाते, तो इब्राहिम लोदी हार जाते तो लोदी डायनेस्टी खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं कि खत्म ही ऐसे ही होती है, उसके बाद दे विल स्टिल फाइट बैक, लेकिन यहाँ बाबर का राज शुरू होता है 1526 में। तो ये 1526 का ड्यूरेशन है, 1526, 1540, मे बी इस पे 10-15 ईयर्स का ड्यूरेशन है। उस वक्त हु वाज प्रीचिंग, हु वाज द सन दैट पर्टिकुलर टाइम, और इट्स अ टोटली फैक्चुअल थिंग, ये फैक्चुअल चीज है। इसका आंसर जो है गुरु नानक, क्या है, गुरु नानक इसका आंसर है, वाज बोर्न बिफोर दिस ओनली, और उसके बाद गुरु नानक वाज प्रीचिंग इन इंडिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इस 1526 के अराउंड, 1526, 1536, 1540, 45 इसके अराउंड एक्चुअली वाज प्रीचिंग इन इंडिया, दैट वाज गुरु नानक। तो ये गुरु नानक इसका आंसर है। अब दादू दयाल क्या है, दादू दयाल एक्चुअली वाज बोर्न ऑन आफ्टर दिस पीरियड, ठीक है। दादू दयाल जो है ही वाज एक्चुअली बोर्न फ्रॉम आफ्टर दिस पीरियड, ये एक्चुअली गुजरात से सन थे, वाज एक्चुअली बोर्न आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड। त्यागराज जो है ये तो पूरा अपने आप कह सकते हो 17-18 सेंचुरी में ही वाज बोर्न, तो ही वाज लाइक ऑलमोस्ट 100 इयर्स, 150 इयर्स आफ्टर दिस, ठीक है, इसके बाद एक्चुअली काफी थे। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के बारे में दिस क्वेश्चन इज देयर, आपको उनका पीरियड अगर थोड़ा सा अच्छे से बताओ तो यू बी एबल टू आंसर। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कन्फर्म नहीं है तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द आंसर, 2 ओनली इज द आंसर, तो इसको याद रखना। कोई नहीं, मौसमी आप एनसीईआरटी से शुरू करना, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना है, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से शुरू कर दीजिए, कोई नहीं। स्ट्रेटजी सेशंस देखिए, यूट्यूब पे होता है, काफी सारा जगह होता है, ठीक है। योर फर्स्ट क्लास, ओके बाबुल, बाबूलाल आपको वेलकम, वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारा नोट्स मैंने लिख रखा है, इनका ड्यूरेशन कहाँ पे, इनका ड्यूरेशन क्या है, सब है नोट्स में, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग आंसर दीजिएगा, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द आर्ट, और वो भी कहां से है, एक्चुअली पेंटिंग से, पेंटिंग से। वन एंड थ्री आंसर दिया आपने, अब मुझे बताइए वन एंड थ्री इसमें ऑप्शन है क्या, ठीक है ना, यू हैव गिवन द वन एंड थ्री आंसर, वन एंड थ्री ऑप्शन है इसमें, ये कहा है वन एंड थ्री ऑप्शन, सब लोग आंसर देना प्लीज।
ओके व्यू रिस्पॉन्सेस देखते हैं अब क्या है. फाइन कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस. ओके सो बोथ आपको भी वेलकम टू यू ऑल्सो. कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता केव्स लेपाक्षी टेम्पल सांची स्तूपा. विच ऑफ द अबव प्लेसेस आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स. व्हाट आर म्यूरल पेंटिंग्स. दोज पेंटिंग्स विच आर डायरेक्टली डन ऑन वॉल. भित्ति चित्र हम जिसको कहते हैं ठीक है. Those paintings which are directly done on the wall, these are actually called what? Mural paintings. इसको mural paintings हम कहते हैं. तो इसमें से कौन से इस पे mural paintings आपको मिलता है? Ajanta Caves पे of course Ajanta Caves पे mural paintings मिलता है. Okay. आपको उनको wall पे there are paintings on this. Lepakshi Temple, yes, you get the mural paintings here also. Sanchi Stupa, there is no mural painting. Sanchi Stupa, there are only sculptures. Sculptures है यहाँ मूर्तियाँ हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है. सांची स्तूपा क्या है? स्कल्पचर्स है, मूर्तियां अलग अलग तरीके से यहाँ पे. ओके तो इसलिए क्या होगा आपका? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. ठीक है. और अजंत तो इसलिए आपका क्या क्या आंसर होता है? वन एंड टू इज द आंसर, क्योंकि थर्ड इज नॉट राइट. वन एंड थ्री इज द आंसर. तो दो ही इलिमिनेट हो सकते हैं वैसे. यू कैन नॉट इलिमिनेट अदर टू ऑप्शन. बट एनी वेज सांची स्तूपा पे स्कल्पचर्स आर देयर, नो पेंटिंग्स. अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल, वन एंड टू, ये इसका आंसर इज देयर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सब लोग आंसर दीजिएगा. नाउ दिस क्वेश्चन, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी जो है इसके बारे में ये क्वेश्चन है बेसिकली. एवरीवन शुड आंसर द क्वेश्चन. सब लोग आंसर देना है और लास्ट तक क्लास देखनी है, लास्ट तक अटेंड करने है क्वेश्चन, बिकॉज आर क्वेश्चन आर द बेस्ट क्वेश्चन. डिफिकल्टी लेवल है. वाई? बिकॉज सीएससी प्रीलिम्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस आर द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ दैट. तो इससे बढ़िया प्रैक्टिस कोई क्वेश्चन की हो नहीं सकती. First of all, try to understand. So always attend these classes. ठीक है. तो answer देखो क्या होता है. With reference to history of philosophical thought in India, philosophical thought in India, consider the following statements regarding the Sankhya school. तो इस Sankhya school of जो philosophy है इसके बारे में पूछ रहा है. ठीक है. Sankhya school of philosophy है, इसके बारे में this particular question has been asked. Sankhya does not accept the theory of birth and transmigration of soul. ये गलत है actually. ठीक है. ये सांख्य जो है इट एक्सेप्ट्स द थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन सोल एंड रीबर्थ. रीबर्थ मतलब क्या है कि आत्मा जो है यहाँ इसका बर्थ होगा, फिर नेक्स्ट इसमें शरीर विल बी डाइन, आपका जो बॉडी है बॉडी डाइज, देन अगेन आत्मा गोज टू द नेक्स्ट बॉडी, अगेन बॉडी दैट बॉडी डाइज, आत्मा गोज टू नेक्स्ट बॉडी. तो ये ट्रांसमाइग्रेशन होता है इसका. ठीक है. तो रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो है इट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. ये नेक्स्ट क्या है? सांख्या होल्ड्स दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और एजेंट. ठीक है. यस दिस इज राइट. जो सांख्या फिलोसॉफी है ये क्या कहती है कि आपका सेल्फ नॉलेज जो है, आपका जो इनर सेंस है, ये बेसिकली सांख्या फिलोसॉफी क्या कहती है? सांख्या फिलोसॉफी कहती है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द पुरुषा. ओके एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्रकृति. प्रकृति प्रकृति मतलब ये आपका रियल आउटसाइडर जो वर्ल्ड होता है, और पुरुषा मतलब क्या है कि आपका इनर वर्ल्ड है. मैं सिंपल सिंपल वे से आपको समझा रहा हूँ. ये ड्यूअलिज्म, अद्वैत, ये सारा चीज और सारी होती है, इसमें हम इसमें मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ. बस आपको बता रहा हूँ पुरुषा और प्रकृति ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं. दिस आर डिफरेंट, ऐसा सांख्य कहते हैं. पुरुषा मतलब क्या कि आपका इनर सेंस, आपका इनर वर्ल्ड जो होता है हर एक का, और प्रकृति मतलब जो प्रकृति अपने आसपास प्रकृति होती है. देखो ये प्रकृति होती है. तो बेसिकली सांख्य क्या कहता है कि ये पुरुषा जो है आपका इनर जो है ये प्रकृति के साथ जो है इट्स बॉन्डेड, ये बॉन्ड होता है इसका. ओके और इसका बॉन्ड आपको ब्रेक कर, ब्रेक अवे फ्रॉम द प्रकृति, तो फिर क्या होगा, आपको फिर मोक्ष मिल सकता है. देन यू कैन गेट एक्चुअली मोक्ष. तो आपको जो मोक्ष है, हाउ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर मोक्ष, दैट इज थ्रू सेल्फ नॉलेज. ठीक है. कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल एजेंट से वजह से नहीं होगा, आपको खुद को ही ये सॉल्वेशन आपका करना है. सो दैट्स व्हाट दिस फिलोसॉफी सेज. That is answer. इसका क्या है भी? तो वैसे philosophy is काफी interesting है, काफी depth में भी हम समझा सकते हैं, लेकिन अभी इसका time नहीं है. लेकिन पुरुषा प्रकृति different है. That's what this particular philosophy says. पुरुषा is bound by the प्रकृति, और प्रकृति से पुरुषा को अलग होना चाहिए.
इफ यू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट यू विल गेट द मोक्ष, दैट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर फिलोसॉफी सेज, ये फिलोसॉफी एक्चुअली दिस फिलोसॉफी इज देयर. ठीक है, तो आपको पता है महर्षि कपिल जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर सांख्य फिलोसॉफी. फाइन, अब नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, हमारे 2013 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आर ओवर, 2013 प्रीलिम्स क्वेश्चंस आर ओवर फॉर हिस्ट्री, क्योंकि कल हमने 12 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज हमने है 5 क्वेश्चंस कवर किए, तो देयर वर 17 क्वेश्चंस वेर देयर, 11 और 12, 16 टू 17 क्वेश्चंस वेर देयर. अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, थोड़ा आप थोड़ा राहत मिलेगा आपको, थोड़ा सा इजियर साइड पे क्वेश्चन हो सकता है, कई मॉडर्न हिस्ट्री से भी हो सकता है, एंशियंट से भी हो सकता है, सो लेट एक्चुअली सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग. तो याद रखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके, इस पे ध्यान दीजिएगा सब लोग. चलो अब पोल आ जाएगा, मतलब पोल स्लोली है, अब 45-50 सेकंड्स आई एम गिविंग फॉर पोल एक्चुअली, नहीं हां जनरली मैं 30 सेकंड्स ही देता हूं, इस बार 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं एक्चुअली. चलो एवरी वन ऑफ यू शुड आंसर द क्वेश्चन, सब ने आंसर देना है इसका. चलो सब लोग आंसर दे रहे, काफी बढ़िया काफी बढ़िया, देयर मोर एंड मोर पीपल आर गिविंग द आंसर. जगदीश, हाँ मुझे पता है हिंदी मीडियम से मैं बार बार ही सेम चीज आपको बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग सुबोध, आपको मैंने पहले भी बताया कि आई डोंट हैव हिंदी क्वेश्चंस नाउ, मैं क्या करूँ उसको, अभी है नहीं मेरे पास, हिंदी में जैसे उसका अच्छा स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो जाएगा मैं हिंदी में लाऊंगा, पहले लाए थे मैंने काफी सारे, 2021 से लेकर 2014 तक हमारे पास हिंदी क्वेश्चंस वर थे, ओके, हिंदी में भी था क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट फ्रॉम 2012 अगेन. अब यहाँ ध्यान देना सब लोग, इज जगदीश देयर इन द क्लास, जगदीश के भी आई थिंक यू हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, अगर जगदीश क्लास में है तो मुझे एक बार यस कहिएगा, जगदीश के भी ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर दिस पर्टिकुलर आंसर, इसका क्वेश्चन देने के बाद, इसका आंसर देने के बाद. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा हमें पता है वन ऑफ द इंडिपेंडेंट फाइटर जो है, अब ये क्वेश्चन हम सीधे डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री से लेके आए, ओके, दिस इज डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन. He set up Indian Home Rule Society in 1905. Yes, Indian Home Rule Society जो है, that was set up in London by him in 1905. यहाँ क्या होता था? जहाँ इंडिया से जो revolutionary they used to go to this Indian Home Rule Society in London and they used to get trained there. ठीक है? Yes, he set up. इसके साथ लाला हरदयाल भी इनके पास गए थे. अगर आपने देखा तो सावरकर also had gone there. ठीक? He published monthly journal The Indian Socialist to expose the Indian causes. Yes, that is also right. ठीक है? एक मंथली जर्नल भी यहाँ ये पब्लिश करते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इंडियन सोशलिस्ट, इसको कहा जाता है द इंडियन सोशलिस्ट. तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू विल बी द आंसर. ओके, नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली पे अटेंशन हियर, ये फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है इट हैज एक्चुअली लॉन्चिंग द एनसीईआरटी बैच 6, एनसीईआरटी बैच 6 जो है ये टेक्स्ट बुक ने अभी लॉन्च किया है, तो ऑलरेडी 5 बैचेस आर कंप्लीटेड, मतलब लास्ट मंथ ही हमारी फिफ्थ बैच वाज एक्चुअली फुल, तो इसलिए 6 बैच फिर से लॉन्च करना पड़ा, मेनी पीपल एक्चुअली काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिसने डिमांड की थी इसमें, सो वी आर लॉन्चिंग द बैच 6 आल्सो एनसीईआरटी का, काफी कम कॉस्ट में. ठीक है, ठीक है, काफी कम कॉस्ट में बेसिकली क्या है कि आपको ये मिल सकता है बैच का जो एनसीईआरटी बैच इसमें एडमिशन, तो जिसको भी लगता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी का प्रिपरेशन, जिसमें क्या होगा कि लाइव क्लासेस विल बी देयर, आई विल बी आल्सो टीचिंग इन दिस, लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस के बाद आपकी क्विज होगी, क्विज के बाद ऑलमोस्ट आपकी 15 प्लस अलग टेस्ट भी होती है, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलती है, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स भी इसमें मिलता है, सो दिस पर्टिकुलर कोर्स यू कैन ज्वाइन, काफी कम कॉस्ट है उसका, अराउंड 5000 से भी काफी कम कॉस्ट है इसका. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज दी कोड प्रशांत भी, ये प्रशांत भी कोड आप यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग 20% डिस्काउंट, या कोई और कोई भी कोर्स हो, ठीक है, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड, दैट इज प्रशांत भी कोड आपको यूज करना है. अलॉन्ग विद दैट, अगर
इफ यू टेक एडमिशन इन एनी बैच ऑफ द टेक्स्ट बुक, कोई भी बैच हो, कोई भी लाइव पेड कोर्सेस है, नॉट ओनली सीएसई, नॉट ओनली फाउंडेशन कोर्स, नॉट ओनली एनसीईआरटी कोर्स, इफ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन, और मेरी मास्टर क्लास देखने के बाद विद इन 3 आवर्स इफ यू आर टेकिंग एडमिशन, विद इन 3 आवर्स, तो विद इन 3 आवर्स इफ यू आर टेकिंग एडमिशन, तो यूज दिस कोड प्रशांति, आपको क्या मिलेगा, नियर अबाउट 37% डिस्काउंट मिल सकता है। There are many students last month they actually had taken advantage of this particular offer कि 37% आपको डिस्काउंट मिल सकता है within 3 hours you'll have to take the admission next 3 hours में, तो आपको 37% तक डिस्काउंट मिल सकता है। जो भी मेरी फ्री मास्टर क्लास होगी उसको एक बार आपको देखना है और उसके विदिन 3 hours आपको एडमिशन लेना है by using this code प्रशांत कोड, ठीक है। इसके साथ साथ सब लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक हैज बीन गिवन देयर, तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है यहाँ पे, it has been pinned here in comment section, तो इसको भी join कीजिएगा telegram channel, सब लोग join करना, कोई miss नहीं करना है, right? अब इसके साथ साथ याद रखना कि और एक UPSC foundation batch also textbook ने launch किया 2023 के students के लिए, जिनको 2023 में attempt देना है, काफी almost it is also in very affordable cost, इस particular batch को भी आप join कर सकते हो, इसमें almost आपकी 500 plus live classes will be there, इसमें आपका NCERT और बाकी सारा content भी cover किया जाता है, प्रीलिम्स के मेंस के रिगार्डिंग सारा कंटेंट इसमें कवर किया जाता है, तो फाउंडेशन बैच है साला, सारा जो है ये फाउंडेशन बैच है जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं, ओके, इन दिस आल्सो यू कैन यूज द कोड फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, अब फिर से हम क्या करते हैं, एडमिशन कैसे करना है, एडमिशन आपको ऐप पे करना है, ठीक है, आपको जो भी कोर्स लेना है उसका नाम आप ऐप पे देखना, उस कोर्स में आप एडमिशन कीजिएगा, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज दिस प्रशांति कोड, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, उसमें कूपन कोड आपको डालना है बस, उसमें ऐप पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर दीजिए सब लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़े से हिंदी में हो गए, ओके, तो इससे सब लोग आंसर दे सकते हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ, कितने लोगों ने आंसर दिया है, फाइन, सो 47% पीपल आर राइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, और किसका है, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की जो नीति होती है इंडिया के प्रति, ये पॉलिसी जो होती है इसके रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज देयर, ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिश, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, ये जो रिंग फेंस नीति होती है, रिंग फेंस की जो पॉलिसी होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग जो होता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस व्हिच वाज यूज्ड बाय, ये पॉलिसी कौन यूज करता है, ये एक्चुअली यूज की जाती है वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा, वैरन हेस्टिंग्स जो है ये यूज करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का मीनिंग क्या है, द डिफेंस ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ द नेबर्स टू सेफगार्ड देयर ओन टेरिटरीज, ये होता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस मतलब क्या होता है, द डिफेंस ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ योर नेबर्स टू सेफगार्ड योर ओन टेरिटरीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आप कहोगे सर इसका मीनिंग क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका क्या मीनिंग होता है, देखना पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है दैट वाज यूज्ड बाय वैरन हेस्टिंग्स, सबसे पहले इसको याद रखना, वैरन हेस्टिंग्स यूज किया था, तो क्या है इस पॉलिसी का मीनिंग, मतलब अगर ये आपकी टेरिटरी है, ओके, दिस इज योर ओन टेरिटरी, लेट्स से ये ब्रिटिश की टेरिटरी है, ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश का ये एरिया है, अगर इसको आपको सिक्योर करना है, इस पे अटैक ना हो, इसकी सिक्योरिटी अगर आपको करनी है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपका जो नेबर होगा ना यहाँ पे नेबर, ओके, इस नेबर को आप सिक्योर करो, आपने क्या करना है बेसिकली, व्हाट दिस पॉलिसी इज सेइंग, कि सेफगार्ड द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ द नेबर्स, आपकी नेबर का जो है ना टेरिटरी, इसको सेफगार्ड करना, ओके, तो
यहाँ आपके टेरिटरी, तो इसको ही सेफ गार्ड करना है, इसको आपने हेल्प करनी है, इसको आप आर्मी दे दो, इसको आपने कुछ और ट्रेनिंग दे देना। अगर ये सेफ गार्ड हो जाए तो क्या, कोई अटैक अगर करता है इस साइड से, इफ समबडी इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम दिस साइड, तो होगा क्या, दे विल हैव टू फर्स्ट अटैक योर नेबर्स, और नेबर अगर स्ट्रांग है आपका, नेबर अगर इसको आपने सेफ गार्ड कर दिया, तो क्या, दे आर ओनली गोइंग टू फाइट अमंग ईच अदर, तो आपका टेरिटरी सेफ गार्ड हो जाता है। आपने एक फेंस बना लिया, व्हाट यू हैव डन एक्चुअली, यू हैव एक्चुअली मेड अ फेंस, तो इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। देखना कितना दिमाग बढ़िया होता है ब्रिटिशर्स का, है ना, काफी बढ़िया दिमाग होता है इनका। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ऐसे अलग अलग कुछ कुछ तरीके करके दे विल एक्चुअली इंक्रीज द पावर इन इंडिया। ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है। तो ये कहां यूज किया था ब्रिटिशर्स ने, वेयर डिड दे यूज, ये यूज किया था उनका बंगाल के लिए, बंगाल के लिए यूज किया था। तो अगर आप इंडिया का अगर हम ऐसा मैप रफली, सॉरी ठीक है, रफली अगर मैं इंडिया की मैप यहाँ देख लू, मैसूर के लिए भी वैसे यूज किया था, ऐसे नहीं है, रफली अगर आप इंडियन का मैप यहाँ देख ला, ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बंगाल इज देयर, व्हाट इज हियर, बंगाल है यहाँ। और अगर आपको बंगाल को सिक्योर करना है, बंगाल के यहाँ पे आपके मराठास नहीं आने चाहिए, या अफगान या कोई और नहीं आना चाहिए बंगाल के यहाँ पे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको अवध सिक्योर करना है। ये यूपी वगैरह का, बिहार का एरिया ना, इस अवध का एरिया है, इस अवध के एरिया के जो भी किंग होगा लोकल, उसको स्ट्रॉन्ग कर देना, उसको हेल्प कर देना। इफ समबडी मराठास वांट्स टू अटैक बंगाल, दे विल हैव टू गो थ्रू अवध, तो आपका सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यूज्ड बाय द लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा सब लोग, ओके। आई वांट एवरीवन ऑफ यू वाचिंग दिस पर्टिकुलर क्लास टिल एंड। देखना सबसे यूपीएससी के, सीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारी है। वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ एट हाईएस्ट लेवल, जो यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चंस होते हैं। तो बाकी सीएपीएफ एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम तो आप इजीली इससे कर सकते हो, तो बाकी सारे एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ओके। और सीएससी एग्जाम तो ही, क्योंकि सीएससी का ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वी आर सॉल्विंग, तो आपको पता चलते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको कुछ ट्रिक्स मिलती है, नई नई कॉन्सेप्ट इससे पता चलती है जिसको नहीं पता है। चलो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू गिविंग द आंसर, सब लोग आंसर देना इसका। अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ब्रिटिशर्स ओनली, मॉडर्न इंडिया का ही क्वेश्चन है, कॉलोनियल रूल के बारे में पूछ रहा है। सो सब लोग आंसर दीजिएगा। तो गोमस्ताज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया रेफर्स टू, गोमस्ताज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया रेफर्स टू, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, गोमस्ता जो होते हैं कॉलोनियल रूल में, इनका मीनिंग कौन होते हैं, जिनको गोमस्ता कहा जाता था, ये गोमस्ता कौन थे ब्रिटिश एम्पायर के वक्त, देखो कौन थे गोमस्ता, ये आपको मैं बता देता हूँ, हु आर दिस पीपल एक्चुअली, आंसर जो इसका होता है दैट इज सी, इंडियन एजेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सुपरवाइज बीवर्स। होता क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ से, इंडिया से दे यूज टू बाय सर्टन थिंग्स एंड दे यूज टू सेल आउटसाइड, यहाँ से कपड़ा खरीदना है और बाहर आपका है सेल करना है, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी शुरुआत करती थी, ओके। तो यहाँ जो इंडियन लोकल वीवर्स वेयर देयर, जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, लोकल वीवर जो थे, इनके साथ बात करनी है, इनके साथ एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट करना है, इनके कपड़े की प्राइस डिसाइड करना है, इसके लिए कुछ एजेंट्स जो है, ये एजेंट्स अपॉइंट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू टॉक टू दिस पीपल, वीवर्स के साथ बात करनी है, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने हैं, उनके साथ क्या प्राइस है उसके एग्रीमेंट सारे करने हैं, इसके रिगार्डिंग टॉक जो किया जाता था दैट इज एजेंट्स वेयर देयर, ये एजेंट्स उनके साथ बात करते थे ब्रिटिशर्स के बीच में और लोकल वीवर्स के बीच में एजेंट्स थे। तो इन एजेंट्स को जो है, अब ये एजेंट्स कौन थे, ये इंडियन लोग ही थे एक्चुअली, इंडियन को अपॉइंट किया जाता था, क्यों, बिकॉज इंडियंस के इनके साथ काफी अच्छे रिलेशन थे, रिलेशन अच्छे हो सकते इन लोगों के साथ, इंडियंस कैन एक्चुअली टॉक विद दिस पीपल विद देयर ओन लैंग्वेज इटसेल्फ, तो इसलिए इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये इंडियन एजेंट्स थे ये लोग एक्चुअली, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टू सुपरवाइज द वीवर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो जिसको नहीं पता था उसको आप एक नया इंफॉर्मेशन इससे मिल जाता है, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सी आंसर इज देयर। फिर से एक बार बता रहा हूँ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ऑल द स्टूडेंट्स विच आर वॉचिंग द मास्टर क्लास, अभी यहाँ देर आर मोर देन 150 प्लस स्टूडेंट्स विच आर लाइव, so you should actually join the telegram channel, और सब लोगों ने answer देना है class, ठीक है, everyone should answer the question, next question देखते हैं, अब who are Gomastas, इसका भी note is there, whatever I explained, इतनी note has been given here, तो आपको telegram channel पे मिल जाएगा सर, note, next question,
Now we are going back to the ancient history. इसका आंसर दीजिए सब लोग। I want all of you giving the answer of this particular question. ठीक है, सबने आंसर देना है। Consider the following statements regarding the institution of Harappan culture. Harappan culture के बारे में, where state have gone to the Indus Valley civilization. Harappa जो था, it was possibly ruled by the class of merchants. Harappa जो था, it was possibly ruled by the class of merchants. क्या ये सही है, गलत है? Yes. ठीक है, Harappa में पॉसिबली वहां जो सिटाडेल जो होता हरप्पा का, जो सिटाडेल, देयर पॉसिबली देयर यूज्ड टू बी सर्टेन मर्चेंट्स, और ये मर्चेंट शायद इसको मतलब दे यूज्ड टू रूल इट, कोई प्रीस्ट क्लास जो होता है या ब्राह्मण्स का क्लास है, इसने रूल करने का कही यहां पे, एक्चुअली देयर इज नो एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ टेंपल्स हैव बीन फाउंड एट हरप्पा साइट, आउटराइटली रॉन्ग। इजी क्वेश्चन है, दिस इज आउटराइटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज कोई टेंपल का एविडेंस नहीं मिला है हरप्पा में, देयर इज नो टेंपल एविडेंस एट हरप्पा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्चुअली ये फर्स्ट रॉन्ग राइट हो सकता है, आंसर इज वन ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, तो इसका सब लोग ने आंसर देना है। इसके बाद वी आर गोइंग टू पब्लिश द लीडर बोर्ड, फिर लीडर बोर्ड पब्लिश करते हैं, देखते हैं फिर। ओके, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ हरप्पन कल्चर। ठीक है, हरप्पन कल्चर के बारे में अगेन सेकंड क्वेश्चन इज देयर, लार्ज स्केल ऑफ बर्न ब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस यू कुड फाइंड हियर। बर्न ब्रिक्स के लार्ज, यस, आपने देखा है कि हरप्पा में भी है, मोहनजोदारो में है, अलग अलग जगह पे क्या है, जो सिटाडेल बना है, घर जो बने थे, ये सारे बर्न ब्रिक्स के बने थे। ठीक है, जो जले हुई ईटे थी, जले हुए ईटे, इसके एक्चुअली बना था, दैट इज राइट। There is presence of stone buildings in the Harappan का, अब ये गलत है, देखा? ठीक है, stone का यहाँ कहीं buildings में use नहीं हुआ है, stone का use नहीं हुआ है, पत्थर का use कहीं नहीं हुआ है, इसका जो use हुआ है यहाँ पे सारा ईटों का use हुआ है, ठीक है, bond bricks का use किया गया इसमें, तो इसलिए answer जो आपका one only will be the answer, इसका क्या answer? चलो ये last question था वैसे भी, answer जो होगा यहाँ पे one only is the answer, please note this particular thing, इसको याद रखिएगा। Now after this I am going to publish the leaderboard. अब मैं क्या करता हूँ, leaderboard publish करता हूँ. But before that kindly remember हमारी जो classes होती है, these classes are totally free, live और daily ये 8 PM classes होगी, polity, economy और history के classes. Polity, economy, history के जो questions होते हैं previous year के, ठीक है, इसमें basically क्या है, we are watching this, ठीक है, तो इसका सबसे पहले याद रखना, इसी के साथ साथ क्या है, You can join this particular Telegram channel also. Telegram channel को सब लोग join कीजिएगा. और yes, आप आ गए जगदीश, आपका actually question का answer I wanted to give, लेकिन you are not there in the class. That's why I did not answer the question that particular time. तो anyways, fine. Now let me publish the leaderboard. Okay, leaderboard publish करते हैं हम. इसको देखते हैं first. Leaderboard publish करते हैं. आपकी डॉटर कहाँ चली गई? ठीक है, फाइन, चलो आंसर इसके लीडर बोर्ड है।
लीडर बोर्ड यू कैन सी टुडे जैक इज द लीडर, सेकंड इज ज्योति, थर्ड इज कैवल्य। ठीक है, ठीक है, जैक इज द लीडर, सेकंड इज ज्योति, थर्ड इज कैवल्य, फोर्थ इज दीपिका एंड फिफ्थ इज हैप्पी। काफी बढ़िया, हैप्पी इज ऑल्सो लीडर टूडे, आई एम ऑल्सो फीलिंग हैप्पी दैट सो मेनी पीपल आर डूइंग गुड टूडे। राजनिवास, राजेश जेना, सुफिया, दिव्यांश आनंद, रमेश, ऑल ऑफ यू हैव परफॉर्म वेरी वेल। ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव परफॉर्म वेरी वेल। चलो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल द लीडर्स। अब जगदीश आपका मैं डाउट ले लेता हूँ, आई विल टेक योर डाउट हियर। तो ये डॉटर ऑटो करेक्ट होता है ना, इट्स हैपेंस, इट हैपेंस, डोंट वरी अबाउट ऑटो करेक्ट। फाइन, तो देखो सबसे पहले तो यू आर आस्किंग अबाउट दी प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, व्हाट वाज दिस प्रयाग प्रशस्ति एक्चुअली? प्रयाग प्रशस्ति जो है, इट वाज रिटन रिगार्डिंग दी समुद्रगुप्ता। ठीक है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली क्या है, इट वाज रिगार्डिंग दी समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के बारे में। तो गुप्ता पीरियड में जो समुद्रगुप्ता किंग थे, इनके बारे में देर इज एन इंस्क्रिप्शन, इनके बारे में क्या है, देर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर, इसको हम क्या कहते हैं, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इस अलाहाबाद पिलर को ही, इंस्क्रिप्शन को ही, जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, जो समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा गया है, उसको कोई प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। ये किसने लिखा हुआ है, हु हैज रिटन दिस, देर इज समथिंग दैट इज रिटन इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के प्रेज के रिगार्डिंग, समथिंग प्रेजिंग द समुद्रगुप्ता हैज बीन रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर पिलर, जिसको हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन करते हैं, या इसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ये प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय द हरिसेना, हरिसेना जो थे, हरिसेना समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे। तो हरिसेना हैड रिटन दिस प्रयाग प्रशस्ति, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज ऑन दिस अलाहाबाद पिलर, इसलिए इसको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सेम अलाहाबाद पिलर पे एक्चुअली यू विल फाइंड अशोका इंस्क्रिप्शन आल्सो, अशोका के भी एक्चुअली इंस्क्रिप्शन है सेम अलाहाबाद पिलर पे, लेकिन जो प्रयाग प्रशस्ति है दैट इज द इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के रिगार्डिंग ये इंस्क्रिप्शन है। फाइन, सो थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, आई होप दैट आंसर्स योर डाउट, व्हाट इज प्रयाग प्रशस्ति, व्हाट इज समुद्रगुप्ता, हरिसेना, इन्होंने ये लिखा हुआ है। फाइन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय गाइस।